लेकिन टिकट नहीं मिलना टिकट। अरे मेरा पार्टी का, हम अपना पार्टी का टिकट बांटेंगे, आपका पार्टी का लड़ते अपना पार्टी से। काला कांग्रेस में के नहीं दिया तो बीजेपी के पैसे पे हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे। आप लोगों को पता नहीं सुरक्षा भी दिया था केंद्र सरकार को। क्यों दिया था सुरक्षा केंद्र सरकार, क्यों दिया था? आजकल जो बीजेपी में रहता है उसी को ना सुरक्षा मिलता है। तो घूम रहे हैं, घूम रहे क्या घूम रहे हैं? निर्दलीय प्रत्याशी उनको पिछले बार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूम रहे थे, विधायक का भी चुनाव नहीं जीते, तीसरा नंबर पे है मधेपुरा से, तीसरा नंबर पे पूर्णिया उनकी माँ है बोलते हैं, और वहां उस समय मधेपुरा बोल रहे थे माँ है। माँ बार बार जो है ये बदलती रहती है। बात बात पे रोना बहुत आसान है, नौटंकी करना आसान है। ऐसा नेता चाहिए जो नौटंकी ना करे, बात बात पे रोए ना, मजबूत इरादा वाला होना चाहिए ताकि आपके सपनों को पूरा कर सके। मेरे को, मेरे पिताजी को एक बार नहीं सैकड़ों बार गालियां दिया गया, लेकिन हमने कभी जवाब पलट के नहीं दिया। हम बोले तेरे जैसे गाली बीजेपी वाला दिलवा रहा है, पैसा उन पे खर्च कर रहा है ताकि हम लोग का वोट कटेगा और बीजेपी आ जाए। बिजली जो है बिहार में सबसे महंगा बिजली है, 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग करने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर जो 1200 हो गया है, 1400 हो गया है, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब कोई लड़ सकते हैं। हम भी लड़ेंगे, तुम भी लड़ोगे, जिसको मैं वो लड़ेंगे, लेकिन जनता मालिक है, मालिक ही जिताएगी। अब मालिक को तय करना है। पूरे देश भर में दो ही लोग के बीच में लड़ाई है, एक इंडिया और एक एनडीए, तीसरा के लिए कोई जगह नहीं है। आपको जिताने का काम करेगा और राहुल गांधी जी और लालू जी के हाथों को मजबूत करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है पूर्णिया की महान जनता पर, अगर पूर्णिया बीमा भारती जी को जिताती है तो देश में तानाशाही को हम लोग हटा के दम लेंगे। बीमा भारती जी पूर्णिया से अगर जीतेगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि देश का संविधान और लोकतंत्र, गंगा जमुना तहजीब को हम लोग बचाने में कामयाब होंगे और फिर का प्रस्तावों को सत्ता से भी दखल करेंगे। आज भागलपुर राहुल गांधी जी आए हुए थे और राहुल गांधी जी ने बीमा भारती जी को भागलपुर बुलाया। हम सब लोग राहुल गांधी जी के साथ भागलपुर में चुनावी जनसभा में थे और बीमा भारती जी को बुला करके उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया है और पूरा समर्थन जो है बीमा भारती जी को दिया है। और राहुल गांधी जी ने आशीर्वाद दिया, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू जी ने अपनी बेटी समान मानते हुए इनको यहां से टिकट दिया है। और दोनों देश के बड़े नेताओं की यही मांग है कि बीमा भारती जी को आप लोग जिताएं ताकि हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में हम लोग बनाने का काम करें और लाल किले पे तिरंगा हम लोग फहराने का काम करें। आज कस्बा की जनता यहाँ है, हम आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं, मुद्दा असल में बेरोजगारी का है, मुद्दा असल में महंगाई का है, गरीबी का है, लेकिन भाजपा के लोगों ने, मोदी जी ने केवल झूठ बोला है, लोगों को ठगने का काम किया है। 14 में कुछ बोलते थे पूरा नहीं हुआ, 19 में कुछ बोलते थे पूरा नहीं हुआ, और 24 में कुछ और कह रहे। आप सब लोग जानते हैं कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है, ये लोग केवल ठगने का काम करते हैं। बीजेपी ने बिहार के लोगों को ठगा, पिछले बार पूर्णिया की जनता ने जिताया एनडीए को,
बिहार में 40 में से 39 जो है सांसद दिया, लेकिन बदले में बिहार और पूर्णिया को क्या मिला हम जानना चाहते हैं। आप बताओ आपको क्या मिला, आपके गांव में क्या किया एनडीए के लोगों ने, बताइए मोदी जी या यहाँ के सांसद एक को बढ़ा के आप लोगों को पूछे क्या आप लोगों का क्या तकलीफ है। गरीबी को मिटाए नहीं मिटाए 10 साल में, बेरोजगारी को खत्म किया नहीं किया, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने था उप मुख्यमंत्री तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। हमने वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, बताओ कौन नेता वादा करके काम किया। 2 करोड़ देंगे मोदी जी बोलते थे, कितना दिया पूछो, नीतीश जी से पूछो 17 साल एनडीए के साथ है क्यों नहीं उस समय दिया। जब तेजस्वी 17 महीने था तो देश भर में एक लौता बिहार ऐसा राज था जहां नौकरियां बट रही थी, दूसरे राज्य में कहीं नहीं नौकरी मिल रहा, पूरे देश से बेरोजगारी को खत्म कर लिया। सारा काम हम लोगों ने किया, जितने तालमी मरकज हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, सबके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। वही 17 महीने में नियोजित शिक्षक 4.5 लाख लोग आंदोलन करते थे, उनको राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलाने का काम किया। बिहार में 50,000 करोड़ का निवेश MOU हम लोगों ने साइन कराया, IT पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। सारा काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन चाचा जी हमारे पलट गए, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। पलटे तो पलटे, अगर नहीं पलटे होते तो अब तक 10 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी मिल गया होगा, 10 लाख। अब ज्यादा किसी को बुरा भला कहने नहीं आ रहे, हम बस यही बताने आ रहे हैं कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार अगर जीतेगी, महागठबंधन जीतेगा, बीमा जी जीतेगी, तो हम क्या करेंगे। हमारी सरकार आने वाले 15 अगस्त को 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे पूरे देश भर में, 1 करोड़। सोचो उप मुख्यमंत्री रहते केवल 17 महीने एक प्रदेश में, जब 5 लाख लोगों को मिल सकता है तो देश में कितने राज्य, कितना वैकेंसी खाली है, कितना पद खाली है, चाहे सेना में हो रेलवे में हो, 1 करोड़ क्या है, कुछ नहीं है। तो आने वाले 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी हम लोग दिलाने का काम करेंगे और देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को जो है सरकारी नौकरी मिलेगा। यही नहीं, जाने वाले रक्षाबंधन को, रक्षाबंधन जो आएगा उसमें गरीब परिवार की जो हमारी बहनें हैं, साल में 1 लाख रुपया का सहायता हम लोग करने का काम करेंगे। मोदी जी कहते हैं राशन दिया, अरे राशन तो कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है, कि राशनों तेल मिलता था, चीनियों मिलता था, ये मोदी जी तो खाली झूठ बोलते हैं। हम लोग आएंगे तो 5 किलो ने 10 किलो राशन कर देंगे और साथ में नौकरी भी देंगे, ये काम हम लोग करने जाएंगे। बिजली जो है बिहार में सबसे महंगा बिजली है, 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग करने का काम करेंगे, और राज्य में फ्री में मिल रहा है, बताओ बिहार में क्यों नहीं मिल रहा, बिहार में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो जब मिलेगा, जब आप जनता का सरकार बनाओगे, इंडिया का सरकार बनाओगे, सारे काम को हम लोग कर रहे हैं। गैस सिलेंडर जो 1200 हो गया है, 1400 हो गया है, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ लोग जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखो लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी पार्टी है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब कोई लड़ सकते हैं, हम भी लड़ेंगे, तुम भी लड़ोगे, जिसका मन वो लड़ेगा, लेकिन जनता मालिक है, मालिक ही जिताएगी, और मालिक को तय करना है
पूरे देश भर में दो ही लोग के बीच में लड़ाई है, एक इंडिया और एक एनडीए, तीसरा के लिए कोई जगह नहीं है। और आप लोग तो जानते हैं, पहले यहाँ लोग घूम रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी, उनको पिछले बार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूम रहे थे, विधायक का भी चुनाव नहीं जीते, तीसरा नंबर पे है मधेपुरा से, तीसरा नंबर पर पूर्णिया उनकी माँ है बोलते हैं, और वहां उस समय मधेपुरा बोल रहे थे माँ है। माँ बार बार जो है ये बदलती रहती है, इनके लिए हमको सारा सवाल नहीं उठाना, मेरे को मेरे पिताजी को एक बार नहीं सैकड़ों बार गालियां दिया गया, लेकिन हमने कभी जवाब पलट के नहीं दिया। हम बोले तेरे जैसे गाली बीजेपी वाला दिलवा रहा है, पैसा उन पर खर्च कर रहा है ताकि हम लोग का वोट कटेगा और बीजेपी आ जाए, इसीलिए खड़ा किया गया। बीजेपी के पैसे पे हेलीकॉप्टर पे वो घूम रहे थे, आप लोगों को पता नहीं सुरक्षा भी दिया था केंद्र सरकार, क्यों दिया था सुरक्षा केंद्र सरकार, क्यों दिया था? आजकल जो बीजेपी में रहता है उसी को ना सुरक्षा मिलता है, काहे ला मिल रहा था वाई कैटेगरी का सुरक्षा? अरे सब लोग हम लोग जानते खेला क्या करना चाहता था, माहौल किस तरह से आकर के लोगों को बिगाड़ना चाहते थे, नकारात्मकता नेगेटिव राजनीति से नहीं होने वाला है। बात बात पे रोना बहुत आसान है, नौटंकी करना आसान है, ऐसा नेता चाहिए जो नौटंकी ना करे, बात बात पे रोए ना, मजबूत इरादा वाला होना चाहिए ताकि आपके सपनों को पूरा कर सके। लालू जी को इतना तंग किया गया, हम पे मुकदमा 40-50, ईडी आए, सीबीआई आई, इनकम टैक्स, एनआईए, सबका मुकदमा मेरे ऊपर, मेरे पिता के ऊपर, मेरी माता के ऊपर, मेरी सातों बहनों के ऊपर। हम बताने जा रहे हैं कि बीजेपी वाला हम लोग कितना तंग कर रहा है। अभी भी लालू जी मेरे आंख से आंसू देखे, लेकिन टिकट नहीं मिला टिकट। अरे मेरा पार्टी का, हम अपना पार्टी का टिकट बांटेंगे, आपका पार्टी था लड़ते अपना पार्टी से, क्या कांग्रेस में गिर नहीं दिया तो मेरा अधिकार बनता है। बात बात पर रोड टिकट नहीं मिला, हमको नहीं मिला तो ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अरे भाई आपको आपकी चिंता है, हमको अपने मुल्क की चिंता है। ये लोग आएंगे सोच लेना, अगर आ गया भाजपा वाला, अगर आ गया देश से संविधान खत्म हुआ तो क्या करेंगे? आज पूरे देश में एक लालू जी ऐसे नेता है जो बीजेपी को खुली चुनौती देते हैं, और भाजपा के लोग अगर सबसे ज्यादा डरता है तो लालू यादव जी से डरने का काम करते हैं। अगर लालू जी को, लालू जी बीमार है, उन पे इतना मुकदमा, डेली रेड होता था, डेली छापा पड़ता था, पड़ता था कि नहीं पड़ता था, क्यों पड़ता था? इनके यहां कभी छापा पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? कोई केस किया भाजपा वाला लोग इनके ऊपर? कोई ईडीसीपीआई इनकम टैक्स लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अंदर का बात असल में कुछ और है रे भाई। हम तेजस्वी मेरा नाम है, हम झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं सच कहते हैं, और जब वादा करते हैं ना तो उसको पूरा करके दिखाते हैं। तो ये दिया 5 लाख नौकरी, हमने बोला मानदेय को दुगुना करेंगे, मानदेय को दुगुना करेंगे। हम बोले थे जाति आधारित गणना कराएंगे, जाति आधारित गणना कराएंगे। हमने 20 में बोला था आरक्षण की सीमा को तमिलनाडु के तर्ज पे करेंगे, 75% आरक्षण की सीमा को किया। हमने बोला था खिलाड़ियों को भी नौकरी देंगे। आज देश में बिहार का लड़का अगर मेडल जीत के लाता है तो खिलाड़ी भी डीएसपी रैंक चला जाएगा, ऐसी नीति हमने बनाई, और 71 लोगों को, खिलाड़ियों को हमने नवाजने का काम किया। रात में अस्पताल में छापा मारते थे, ये काम करते थे ताकि काम हो सके। ये बीमा भारती जी,
कितना सही, कितना त्यागी है ये महिला हमारी बहन। इनके ससुर का हत्या हो गया, बेटा का हत्या हो गया, पिता को जेल भेज दिया और दूसरा बेटा को भी जेल ले गए तो कल परसों छूटा है। ये सोचो एक महिला के साथ अगर ऐसा हो बीते तो क्या हमारा तेजस्वी का फर्ज नहीं बनता कि अति पिछड़ा महिला के साथ खड़े होकर के इनको सहायता दे? जब मेरे लिए त्याग किया तो हम इनके लिए नहीं त्याग करें? आप क्या बनाना चाहते हैं? छोटा चुनाव बनाना चाहते हैं? छोटा चुनाव लड़ाई क्या है? समझने की जरूरत है भाई, समझ जा, नहीं तो सबका रंग बाद में दिखने लगेगा, फिर पछताओगे कि क्यों हम बटे, क्यों हम टूटे। थोड़ा सा सिरा गया, अरे भाई थोड़ा सा सिरा गया, सरकार तो गिर गया था। तेजस्वी पिछले बार सरकार बना लिया था, 115 सीट आई थी, 122 पे सरकारें बनती।